कहते जी कि शादी से पहले लड़की का दूसरे लड़कों से गलत रिश्ता रहा है, शादी के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, तो ऐसी दोनों सूरतों में क्या करें? या तो वो सच्ची पक्की तौबा करे, अल्लाह भी माफ करे, तुम भी माफ करो, आइंदा कंट्रोल करो, क्योंकि ये बुरी आदत ऐसी होती है कि नऊज बिल्ला फिर आदमी उससे बाज नहीं आता, वो हर हाल में वो नहीं छूटती, इल्ला अल्लाह हिदायत, वरना जिस लड़की का हराम पे नाड़ा खुल गया ना, वो कभी नहीं बंद होगा, वो हमेशा ही मुंह काला करती रहेगी। या फिर दूसरा हाल ये है कि ऐसी औरत को तलाक दे दो। जब तुम्हें पता था कि लड़की का लोगों से ताल्लुक है, तुमने शादी की क्यों? शादी के लिए अब तैयब बात और तैयबीन, पाकिजा मर्दों को पाकिजा औरतें ढूंढनी चाहिए। नमाज पढ़ते वक्त खाने काबा को देखना नहीं, सजदे की जगह पे नजर रखो। नमाज बंदगी है, आजजी है, तजल्लुल है। नहाते वक्त वजू हो जाती है वॉशरूम में, नंगा जिस्म मर्द या औरत का, तो जब गुस्ल हो जाता है तो वजू क्यों नहीं हो जाता? यानी जो बड़ी चीज है वो तो नंगे हो जाती है, वजू नहीं होता, ये अजीब अकल है। लेकिन शर्त यह है कि गुस्ल से पहले वजू करे, फिर गुस्ल करे तो वजू की जरूरत नहीं है। एहराम उतारने के बाद, उम्रे से फारिग होने के बाद मियां बीवी आपस में मिल सकते हैं, क्योंकि मक्के में मिलना मना है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं ऊपर से गिरते हैं। कोई अजीब बात है, क्या है भाई? जब उम्रा का एहराम खत्म हो गया, तुम्हारी बीवी है, हलाल है, बस खत्म हो गया। वो तो एहराम की हालत में हराम थी ना। असल में बेचारे ये भी क्या करें, जमजम में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, इसलिए ये मजबूर होते हैं बेचारे। एक आदमी ने मुझे टेलीफोन किया, कहते हैं जी मैंने आपसे, पता नहीं कब, वो दो तीन साल पहले की बात करता है, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कोई दवाई बताएं, मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, मैं बीवी के हकूक़ अदा नहीं कर सकता, तो मुझे ख़तरा है कि जब मेरी बीवी मुझसे मुतमैन नहीं होगी तो गुनाह करेगी, तो आपने मुझे एक दवाई बताई थी, वो दवाई मैंने एक महीने इस्तेमाल की, अब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मेरी बीवी तंग आ गई, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा वही दवाई बीवी को भी खिलाऊं, फिर इंशाल्लाह दोनों का काम बराबर हो जाएगा। मुझे खुद भूल गया उससे पूछता कि यार वो दवाई क्या थी, मुझे तो याद ही नहीं ना, किसी ने कहा हमने बता दिया जो मुंह में आया। तो कभी कभी अल्लाह फकीरों की भी लाज रख लेते हैं, उसमें शिफा हो जाती है। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत जिंदू शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतें फरमाए, उनके बाद जो आते ना जी मेरी बीवी बीमार है जी, अच्छा उसको गाजरें खिलाओ, कोई और आ जाता अच्छा उसको मूली खिलाओ, कोई और आ जाए उसको शलगम खिलाओ, कोई और आ जाए उसको आम खिलाओ, बस कोई लफ्ज बता देते, अल्लाह की शान है जो फरमाते थे उसी में अल्लाह ने शिफा रखी है। अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह अपने बंदों की जबान को ज़ाया नहीं करते, कलंदर हर चे गोया दीदा गोया, उसकी लाज रख लेते हैं।